नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त हम और हमारी टीम मौजूद हैं हसनपुरा प्रखंड के सहुली पंचायत के वार्ड संख्या 11 में। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर नल जल का जो योजना था नवंबर से पहले लोगों को काफी अच्छे पानी मिल रही थी। और ये देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, ये टंकी है, पानी का टंकी है। नवंबर में 11,000 वोल्टेज का तार गिरने से ये जो पानी टंकी का स्टेबलाइजर था, मोटर था और स्टार्टर था, तीनों क्षतिग्रस्त हो गया था। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, पानी नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा है। और उसके अलावा यहाँ के जो जितने ग्रामीण हैं और वार्ड सदस्य हैं, इसको लेकर कंप्लेन भी किया गया है ब्लॉक में, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही कोई फंड मिला है ताकि यहाँ पर फिर सुचारू रूप से इसको चलाया जा सके, नल जल योजना का। ये हाल है यहाँ पर, ये सूरत हाल है यहाँ पर इस वार्ड संख्या 11 का। और मैं आपको बता दूं कि वार्ड सदस्य और ग्रामीणों ने अपने ही चंदा इकट्ठा करके मोटर तो कम से कम बनवा लिया, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टर है और स्टेबलाइजर है अब तक उसका कार्य नहीं हुआ है। और इसको लेकर ये इन्होंने आरोप भी लगाया है कि ब्लॉक का ही लोग जिम्मेदार हैं, जेई जिम्मेदार है इसको लेकर, क्योंकि इन्होंने बार बार वहां पर जाकर अपील भी किया है और मांग भी की है कि किसी तरह इसको ठीक करके सुचारू रूप से फिर चलाया जा सके। यहाँ के वार्ड सदस्य और यहाँ के ग्रामीणों से हम बातचीत कर रहे हैं, तो आइए बातचीत करके जानेंगे कि और क्या समस्या है यहाँ पर। क्या समस्या है कि पानी को लेकर काफी दिक्कत है, और ये नवंबर के बाद जो मोटर मीटर और ये स्टेबलाइजर सब जल गया, जिनके कारण पानी नहीं मिल रहा है। इस पर इसको कई बार कंप्लेन भी किया गया ब्लॉक में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार दो तीन आदमी आए भी तो देख कर गए कि हाँ तीन रोज के बाद आएंगे, तो तीन रोज के बाद आज तक भी नहीं आए कोई, जिसके कारण पूरा इस वार्ड में पानी पानी की तबाही है और किसी को पानी मिल नहीं रहा है। और ये मांग है कि इसको जल्द से जल्द बनवा दिया जाए ताकि ग्रामीणों को पानी मिल सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मानिक चंद्र शाह। क्या समस्या है यहाँ पर, पानी क्यों नहीं आ रहा है? बिजली का समस्या है, स्टेबलाइजर और स्टार्टर का समस्या है, दोनों जल गया है। कब से ये समस्या उत्पन्न? नवम्बर से। अच्छा, क्यों, क्या कारण रहा? 11,000 तार टूट कर गिर गया तार के ऊपर, उसके चलते मीटर जल गया, स्टेबलाइजर जल गया, स्टार्टर जल गया, मोटर जल गया। मोटर तो हम लोगों ने किस तरह से बनवा लिया, लेकिन वो दोनों नहीं बन पता है, उसमें ज्यादा पैसे का खर्च है, प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। प्रशासन अगर ध्यान दे तो बन जाएगा, चलेगा। तो क्या अब तक यहाँ पर कोई इसको लेकर कंप्लेन किया गया है आप लोगों के? किया गया है, जो इसका पदाधिकारी है उसके पास कंप्लेन किया गया है। तो क्या रिस्पांस आया उधर से? कोई रिस्पांस नहीं आया। ग्रो जो मिस्त्री को लेकर के आए थे सिवान से, वो बोला कि ये हमारे बस का नहीं है, इतना हम नहीं लगा सकते हैं इसमें। हाँ, अगर प्रशासन पैसा दे तो हम इसको बना देंगे। क्या मांग करते हैं आप? तो मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, इसको चालू किया जाए, लोगों को जल्द से परेशानी जो हो रहा है उसको सॉल्व किया जाए। आप इसी वार्ड से हैं? ये हमारा ही घर है। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा शिव शंकर पांडे, हमारा भतीजा है। अच्छा अच्छा, और हमारी बहू इस वार्ड की वार्ड कमिश्नर है। ठीक, क्यों पानी नहीं आ रहा है, क्या समस्या? एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि फर्स्ट यहाँ पर 6.6 KVA का जो वायर गिरा था LT पे, उसके कारण पूरा अदर मतलब जो भी बिजली से रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स है वो सारे के सारे जल चुके हैं। सबको घरों में भी जल है, मीटर भी जल गया है, बट गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे नल जल है और नल जल से यहाँ पर हर लोगों को पानी जाता है, उसमें भी मोटर जल गया था, स्टार्टर जल गया था, इन्वर्टर जल गया था। उसमें मोटर तो लोगों ने बनवा लिया आपस में, बट इन्वर्टर और क्या बोलते हैं स्टार्टर, दो चीज़ बाकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई मतलब एक्शन नहीं लिया गया है। हर जगह हम लोगों ने मतलब मिलके आपस में अप्लाई करके और अप्लीकेशन दे के देख लिए हैं, बट कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है। साले सबके सब पहले तो चोर भरे पड़े हैं, एक को बोलो तो वो ऊपर भेजता है, उससे बोलो तो वो उससे ऊपर भेजता है, आखिर में जाकर होता है क्या है, कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार पांडे है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन सारे चीजों का वो हो, वरना हम अगले नेक्स्ट सप्ताह में हम सीधी वहाँ प्रखंड पर पहुंचकर धरना देना स्टार्ट कर देंगे। सीधी सी बात है भैया, बहुत हो गया इन लोगों को चुचलाबाजी, अब आगे सीधा एक्शन लेना है हम लोग, बस थैंक यू। क्या समस्या है? समस्या है कि 11,000 तार नवंबर में गिर जाने के कारण हमारे स्टेबलाइजर, स्टार्टर, मीटर, मोटर तीनों चारों जल गया, इसी कारण हमारा
नल जल नहीं चल रहा है, इसके लिए अपने ब्लॉक में मांग की है, जय के पास के पंचायत सचिव के पास के, उसके बाद मुखिया से भी बोले, तो सब कुछ देखते 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 टाइम हो लग गया 5-6 महीना लग गया। 2-4-5 रोज पहले मुखिया बोले कि एक आदमी जाएगा बनाएगा, आकर देख कर गए, उसके बाद नहीं आए। आज का डेट कॉल का डेट दिए थे, परसों नहीं आ पाए। मुखिया से फिर फोन कराए, उसके बाद फिर मुखिया कल फोन किए तो बोले कि हाँ ठीक है हम कल पहुंच जाएंगे, आज नहीं आए, 10 बजे तक टाइम दिए थे नहीं आए हैं। क्या क्या खराबी है यहाँ पे? अभी तो मोटर बन गया है, लमसम अभी चालू करने में। मोटर कैसे बना? कुछ ग्रामीण हमारे वार्ड के कुछ लोग दिए हैं और कोई अपने लग से लगा कर बनाए हैं। लेकिन अब तक फंड नहीं मिला ना? 12-13 हजार रुपया मेंटेनेंस में खर्चा किए हैं जब से चालू है तब से आज। क्या मांग करते हैं? वो हमारा मिल जाए तो भी बनेगा, नहीं तो बनवाए हमारा चालू कराए। क्या नाम हुआ आपका परिचय? संतोष कुमार पांडे, वार्ड नंबर 11, वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य हमारे औरत है, लेकिन हम उनके